गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 टुडे, एंड चैप्टर नंबर 6 इज आउटपुट डिवाइसेस। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव आल्सो लर्न अबाउट इनपुट डिवाइसेस। ओके, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी पढ़ी थी? माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है। तो अभी हम पढ़ेंगे आज आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ओके, the devices which are used by computer to give us required information are called output devices। जो devices computer की हमें हम जो information उनसे चाहते हैं, ठीक है, जो काम हम computer पे करना चाहते हैं, जैसे आपको एक application लिखनी है, ठीक है, तो आप application किसके through लिखेंगे? keyboard के through। लेकिन उसका आउटपुट आपको कहाँ दिखेगा? मॉनिटर पे लिखी हुई दिखेगी ना, तब आपको लगेगा कि हाँ, नाउ माय वर्क इज़ कंप्लीटेड। या फिर आपको प्रिंट आउट चाहिए तो वो आपको प्रिंटर से मिलेगा। तो ये जो डिवाइसेस हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, ये हमें आउटपुट दे रहे हैं, इसलिए ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। द CPU प्रोसेस्ड द इनपुट एंड शोज द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर। ठीक है, जो भी काम हम कंप्यूटर से करते हैं उसकी प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है? CPU में होती है, ठीक है, और उसका रिजल्ट हमें कहाँ दिखता है? स्क्रीन पर, यानी कि मॉनिटर की स्क्रीन पर। तो इन द सेम वे, इफ वी नीड द रिजल्ट ऑन पेपर, द प्रिंटर गिव्स अस द प्रिंट आउट। और अगर हमें अपना काम पेपर पे देखना है जो हमने किया है, तो वो आपको प्रिंटर पे, प्रिंटर के थ्रू आपको पेपर पे प्रिंट होकर मिल जाएगा। इसीलिए प्रिंटर और मॉनिटर क्या है? दोनों आउटपुट डिवाइसेस हैं, क्योंकि दोनों ही आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। मॉनिटर पहला क्या है? मॉनिटर, देखिए ये मॉनिटर सबने देखा हुआ है, किसमें? कंप्यूटर लैब में, है ना, तो सबको पता है कि मॉनिटर कैसा होता है दिखने में। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस which is a part of our computer's display system। computer display system का एक part है, क्या है वो? monitor, ठीक है, ये एक output device होती है। a cable connects the monitor to a video adapter, video card, this is installed in an expansion slot in the computer's motherboard। देखो computer के CPU में जो motherboard होता है, ठीक है, अंदर मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड पर इस मॉनिटर को एक केबल से जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? एक वीडियो अडेप्टर या वीडियो कार्ड होता है, ठीक है, ये किस में इंस्टॉल होता है? एक्सपेंशन स्लॉट इन द कंप्यूटर्स मदरबोर्ड, है ना, कंप्यूटर के मदरबोर्ड के एक्सपेंशन स्लॉट में इसको इंस्टॉल करते हैं, और उससे एक केबल के थ्रू हम मॉनिटर को जोड़ देते हैं। This system converts signals into text and pictures and display them on a screen of the monitor। देखो बेटा, जब हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना नाम लिखा, ठीक है, आपका नाम है जैसे राहुल, तो आपने RAHUL किससे टाइप किया? कीबोर्ड से। तो वो आपको कहाँ दिखता है? वो आपको दिखता है मॉनिटर की स्क्रीन पर। लेकिन कंप्यूटर के जब अंदर जब वो प्रोसेसिंग के लिए जाता है कीबोर्ड से डाटा, तो वो कंप्यूटर आर नहीं जानता कि आर क्या होता है, ए क्या होता है, वो इसको किस में चेंज कर देता है? कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में ही एक्सेप्ट करेगा, बाइनरी कोड में, ठीक है। लेकिन जब आपको मॉनिटर पे दिखाया जाता है, तो वो एज इट इज़ उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि सिग्नल की फॉर्म में डाटा गया था अंदर, और जब बाहर मॉनिटर पे दिखा आपको, तो किसकी हेल्प से, किसकी फॉर्म में दिखा? टेक्स्ट में, यानी कि राहुल राहुल ही तरीके से ही दिखेगा, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को VDU भी बोल देते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगर आपसे कोई पूछता है कि मॉनिटर या फिर VDU क्या है, तो आप बोलेंगे VDU इज़ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये हम मॉनिटर को बोलते हैं, और मॉनिटर क्या है? मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। Whatever you type with the help of a keyboard, it shows on the monitor, screen or monitor। जो भी हम कंप्यूटर से टाइप करते हैं ना, तो वो हमें कहाँ पर दिखता है? मॉनिटर की स्क्रीन पर। लेजर प्रिंटर्स यूज टोन्स एंड वर्क यूजिंग द जेरोग्राफी मैथड।
ज़ीरोग्राफी मेथड दिस वाज इन्वेंटेड बाय चेस्टर चार्सलन इन 1938। लेज़र प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, लेज़र प्रिंटर होते हैं, है ना, इंकजेट प्रिंटर होते हैं। तो लेज़र प्रिंटर जो होते हैं वो टोन यूज़ करते हैं, टोन एंड वर्क यूजिंग द, यानी कि किस तरीके से काम करते हैं, ज़ीरोग्राफी मेथड को यूज़ करके, ज़ीरोग्राफी मेथड से ही वो काम करते हैं। दिस वॉज, और किसने इन्वेंट किया था इसको, चेस्टर चार्सलन ने 1938 में। अ TFT मोनिटर यूज थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स टेक्नोलॉजी फॉर अल्टीमेट LCD डिस्प्ले। और TFT मोनिटर्स जो होते हैं ना, आगे हम आपको मोनिटर्स के टाइप्स पढ़ाएंगे तब आप पढ़ेंगे, जो TFT मोनिटर्स होते हैं वो जो हैं बहुत ही थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, बहुत पतले पतले ट्रांजिस्टर्स होते हैं अल्टीमेट LCD डिस्प्ले के लिए, यानी कि जो उन पर जो डिस्प्ले होता है ना मोनिटर्स पे, उसमें बहुत ही थिन ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, अभी आप इतना चैप्टर जितना मैंने दिया है इसको आप अच्छे से रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे।